नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस नए YouTube वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक ऐसा ज़बरदस्त नुस्खा जिसके इस्तेमाल से आप अपने सफ़ेद होते बालों को फिर से काला कर पाएंगे या फिर सफ़ेद हो चुके बालों को भी कोयले की तरह काला कर पाएंगे। दोस्तों, हमारे शरीर में मेलानिन की कमी की वजह से हमारे बाल सफ़ेद होते जा रहे हैं और दोस्तों, हमारे दैनिक दिनचर्या में हो रहे बदलाव और मानसिक तनाव की वजह से भी हमारे बाल सफ़ेद होते जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ज़रूरी है कि आप अपने बालों का ख्याल रखें क्योंकि दोस्तों, इसकी वजह से आपकी सुंदरता भी बढ़ती और घटती है। तो फ्रेंड्स, आप अपने बालों को हमेशा काला रखने के लिए इस वीडियो को एक बार शुरू से लेकर आखिर तक देख लें। और फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बगल में आए हुए घंटी को दबा दें ताकि मेरे आने वाली नए वीडियो की जानकारियाँ आप सभी को जल्द से जल्द मिल जाया करेंगी। तो फ्रेंड्स, इसके लिए हम सबसे पहले लेंगे एक क्लीन बॉल और फ्रेंड्स, इसके बाद इस रेमेडी में हम इस्तेमाल करेंगे बादाम का तेल यानी कि आलमंड ड्रॉप्स ऑयल। दोस्तों, इसके इस्तेमाल से आपके बालों को बहुत ही तेज़ी से पोषण मिलता है। इसमें प्रचुर मात्रा में विटामिन ई होता है जो कि आपके बालों को काला करता है, लंबा करता है और घना करता है। इसके साथ साथ ही आपके बालों को मजबूत बनाने का काम करता है। तो फ्रेंड्स, आपको इसमें लगभग 2 चम्मच की मात्रा में ये बादाम का तेल ले लेना है। और फ्रेंड्स, इसके बाद इस रेमेडी में हम इस्तेमाल करेंगे कच्चे अंडे का ये सफ़ेद वाला हिस्सा। दोस्तों, आपको कच्चे अंडे का सफ़ेद वाला हिस्सा इस तरह से निकाल लेना है और फ्रेंड्स, आपको इसमें लगभग 1 चम्मच की मात्रा में ये डाल लेना है। दोस्तों, इसमें प्रचुर मात्रा में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं जो कि आपके सफ़ेद बालों को काला करने में बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। और फ्रेंड्स, इसके बाद इस रेमेडी में हम आखिर में इस्तेमाल करेंगे ये पाउडर। दोस्तों, ये आंवला पाउडर है जो कि आपके नज़दीकी बाज़ार में बहुत ही आसानी से मिल जाता है। दोस्तों, आंवले में इतनी ज़्यादा क्षमता होती है आपके बालों को पोषण करने की और आपके सफ़ेद बालों को काला करने की कि दोस्तों, ये आपके सफ़ेद हो चुके बालों को भी फिर से काला कर सकता है और उसे दोबारा कभी सफ़ेद नहीं होने देगा। तो फ्रेंड्स, आपको इसमें 1 चम्मच की मात्रा में आंवला पाउडर डाल लेना है और उसके बाद आपको इन तीनों चीज़ों को आपस में बहुत ही अच्छी तरह से मिला देना है। दोस्तों, अगर आप इसका हमारे बताए अनुसार इस्तेमाल करते हैं तो दोस्तों, आपके सफ़ेद बाल मात्र 3 से 4 दिनों में काले होना शुरू कर देंगे। तो फ्रेंड्स, आपको इस तरह से इसे तैयार कर लेने के बाद आपको सबसे पहले अपने बालों को साफ पानी से वॉश करना है और उसके बाद आप इसे अपने बालों की जड़ों से लेकर सिरे तक लगाएं और अच्छे से मसाज करें। मसाज करने के बाद आप इसे 25 से 30 मिनट के लिए वैसा ही छोड़ दें। दोस्तों, 25 से 30 मिनट के बाद आप इसे किसी शैम्पू की मदद से वॉश कर लें और दोस्तों, उसे अच्छे से वॉश कर लेने के बाद आप इस बादाम के तेल को अपने बालों में लगा लें। दोस्तों, अगर आप ऐसा सप्ताह में 3 बार करते हैं तो दोस्तों, आप कुछ ही दिनों के बाद अपने सफ़ेद बालों को फिर से काला कर पाएंगे और एक नौजवान की तरह दिख सकेंगे। और फ्रेंड्स, इसके बाद आप इस वीडियो को अपने दोस्तों यारों में शेयर करके और इस रेमेडी से परिचित कराएँ ताकि वो भी